इन माय चैनल। तो आज मैं शूट करने वाली हूँ आपके लिए मेकअप लुक। तो आज मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ ना, वो मेरा न्यूली परचेज प्रोडक्ट्स में से एक है, विच इज़ दिस वन, मार्स का आई शेडो पैलेट, या ये वाला। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे कलर बार का प्राइमर है। तो जबको पता है कि मेरा जो स्किन है ना, वो ऑयली स्किन है, एंड मैं पोर फिलिंग या फिर मिनिमाइजिंग टाइप का ही प्राइमर यूज़ करती हूँ, एंड सिलिकॉन वन इज़ द बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। तो यहाँ पे मैं एक जेनरस अमाउंट लेके इसे अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस में। आप देखोगे ना, जैसे मैं इसे यहाँ पे शाइन हो रहा है, अब जैसे मैं ब्लेंड करूँगी ना इसे, वो शाइनिनेस खत्म हो गया, यू कैन सी। तो ये होता है सिलिकॉन बेस, आप यहाँ देखो शाइन नहीं है, एंड दिस साइड मेरा फेस शाइन कर रहा है। ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है प्राइमर। तो मैं यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क कंसीलर है अकॉर्डिंग टू मेरे स्किन के हिसाब से, एंड ये मैं यूज़ करती हूँ ना मेरे आईज़ को, यू नो, कंटोर, सॉरी, मेरे जो डार्क सर्कल है ना, उन्हें हाइड करने के लिए ही मैं ये कंसीलर यूज़ करती हूँ। ये देखो, काफ़ी अच्छे से ये मेरे स्किन को, यू नो, कवर अप करता है। इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर देना है, ताकि ना वो हाइड हो जाए जितना भी अनइवननेस था स्किन का। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंसीलर ले रही हूँ, जो कि है अगेन स्विस ब्यूटी का, और इसका शेड नेम है आपका, शेड नेम क्या है पता नहीं, मैं इसका शेड नेम आपको डाल दूंगी ये, बट थोड़ा सा लाइटिश शेड है, आई के शेड नंबर 1 या 2 है, बहुत लाइट सा शेड है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज को डिफाइन करते चलूंगी, देखो कुछ इस तरीके से हमें आईब्रोज डिफाइन करना है, और इसे मैं प्लेस करते जाऊंगी। सो अब नेक्स्ट क्या है ना, मैं ले रही हूँ स्टे कॉर्की का वाइट, यू नो, देख लो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये वाइट है। तो मैं इसे ब्यूटी स्पंज में ले रही हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं अपने जो आईज है ना, इसे लॉक करते जाऊंगी। तो बिल्कुल इस तरीके से देख लो आप, ये वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर है गाइस, ठीक है। तो ये मैं इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसे क्या कर रही हूँ ना, सील आउट कर रही हूँ। तो अभी का जो मेकअप मैं करने वाली हूँ, तो आज के मेकअप के लिए मैंने लिया है मार्स का आई शेडो पैलेट। तो मैं आपको पहले पैलेट दिखा देती हूँ, बहुत ही गॉर्जियस कलर, आप देख लो, बहुत ही अच्छा है, एंड दिस कॉस्टेड मी फॉर 220 रुपीज़, एंड जो कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर के साथ है, ठीक है। इसमें सेट्स ऑफ यू नो सिमर कलर्स हैं, तो ये जो है ना हमारा सिमर आई शेडोज है। इस पैलेट को मैंने खुद क्यों लिया है मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम फॉर दिस डार्क शेड्स, क्योंकि मेरे पास डार्क शेड्स स्टॉक आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा वाइब्रेंट ये जो कलर है ना, ऑलिव ग्रीन, फॉर दिस दिस एंड दिस, ये कलर मुझे बहुत चाहिए था, एंड ये पैलेट में ये कलर इज लाइक बॉम। तो मैं इसी वजह से इसको परचेज की थी, एंड आज का जो मेकअप है इसी वाले जो कलर को ना थोड़ा सा थीम में रखते हुए हमें करना है। तो सबसे पहले मैं कलर पिक कर रही हूँ, ये कलर, ठीक है। मैं ट्रांजिशन में ले रही हूँ ये डार्क बर्गंडी कलर, तो हम इससे आज क्रिएट करेंगे ये एंड पिंक मिक्स करके, एंड सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड दिस ऑलिव कलर। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पिक कर रही हूँ जो डार्क कलर है ना उसे, तो मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे ट्रांजिशन वाले एरिया पे। तो काफ़ी अच्छा, एंड पिगमेंट इसका बहुत ही अच्छा है गाइस, आप देख सकते हो, मैंने बस थोड़ा सा अप्लाई किया है ब्रश पे लेकर के, एंड पिगमेंट काफ़ी हद तक अच्छा है इसका। तब मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ कलर पिक करने के लिए। इसी तरीके से हम आगे भी अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है, दोनों आईज पे सेम रहेगा ट्रांजिशन।
मैं बस अभी कलर को ना प्लेस कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ मैं ब्लेंड करूंगी कुछ देर में। तो फर्स्ट प्लस कलर को प्लेस कर, यहाँ पे ना फ्लफी सा ब्रश लेना है और फ्लफी वाले ब्रश में मैं यहाँ पे ये जो पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर इसमें लूंगी, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा एक्सेस हमें डैब कर लेना है। डैब करने के बाद में जो मेरा आउटर स्पेस है दिस वन, मैं इसमें ना कलर को स्मच करूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपको, हार्श हाथों से तो बिल्कुल नहीं करना है। तो बहुत ही लाइटली आपको बस कलर को प्लेस करके ब्लेंड करना है एंड आपको ना ये जो आपने क्रिएट किया है वो लाइन खराब नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली आपको पिंक कलर लेना है, डैब करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, देखो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको कलर्स को ब्लेंड करना है। आप ओमरे इफेक्ट देख पा रहे होगे, ठीक है, बहुत लाइट वेटेड कलर पिक करके आपको इसे बिल्कुल हल्का हल्का ब्लेंड कर देना है। कट क्रीज बनाने के लिए आप चाहे तो ब्रश भी यूज कर सकते हो, ना मैं जो टेक्निक आपको पहले बता चुकी हूँ आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, इसमें एक जेनरस अमाउंट ऑफ कंसीलर ले रही हूँ, ठीक है, आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं एज योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे अब हम कट क्रीज बनाएंगे, तो आप चाहो तो जिस तरीके से मैं करती हूँ इस तरीके से कंसीलर को प्लेस करने के बाद में हमें ऊपर की तरफ देखना होता है, ठीक है, देखने के बाद जहां ये टच कर रहा है वी जस्ट हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे। मैंने कट क्रीज को सेट कर लिया है, अब जो हाफ एरिया है ना वहां पे ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर, ये मैं पहले अपने फिंगर्स में ले रही हूँ और इससे मैं प्लेस करूंगी। ये काफी अच्छा सा सिमरी शेड है, आप देख सकते हो ग्रीन ऑलिव कलर है ये, तो मैं यहाँ फिंगर्स की हेल्प से इसे प्लेस कर, देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल सा ग्रीन एंड सिमर के शेड में है ये, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। सेम अब मैं इस तरीके का आईज इसमें भी क्रिएट करूंगी एंड हल्का सा और इसमें थोड़ा सा इंटेंसनेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले रही हूँ फ्लैट ब्रश में और इसे मैं कॉर्नर्स में अप्लाई करके इसको स्मच कर रही हूँ। ज्यादा लाइनर वगैरह कुछ इसमें मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ये इस लुक को बिल्कुल विदाउट लाइनर में रखूंगी। तो यहाँ पे वायरलेस कर्ल कर लूंगी और इस पर मैं अप्लाई कर लूंगी मेरा जो मस्करा है वो, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्करा, ये काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया एंड इसका जो वॉन्ड है ना बिल्कुल स्लीक सा है, इसको इसका ना बहुत ही लॉन्ग आईलैसेस आपको मिलते हैं जो कि मुझे काफी देख रही आपको नजर भी आ रहा होगा मेरे आईलैसेस में डिफरेंस, देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम यू नो मिलता है इस वाले आईलैश से, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा इस वाले आईज और इस वाले आईज में, देख रहे हैं बहुत डिफरेंस है। तो अब मैं आज जो लैसेस यूज करने वाली हूँ ना वो है स्विस ब्यूटी का आईलैस है, ये 3D आईलैस है एंड ये शेड है नूबिया, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरिजन टू मेरे जो पहले आईलैशेस हुआ करते थे, ठीक है, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको आईलैश भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में इसका लुक आउटकम कैसा आएगा। तो मैं इनर कॉर्नर पहले अपना हाईलाइट कर लेती हूँ, मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का जो मेटालिक शेड है ना सिल्वर में, वो ले रही हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं प्लेस कर रही हूँ अपने इनर हाफ में जो कि काफी वाइब्रेंट कलर है आप देख सकते हो। तो इससे यहाँ पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ आईलैशेस जो कि स्विस ब्यूटी का है जो कि काफी अच्छा सा यू नो साइड में लेंथनिंग वाला है, काफी गॉर्जियस लुक दे रहा है अब आप देख सकते हो, विदाउट लाइनर का भी आप मेकअप कर सकते हो विच लुक्स ऑसम। तो मैं अब ये सेम आईज इसमें क्रिएट करके आती हूँ। सो यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली, ये लुक काफी अच्छा लग रहा है, वाइब्रेंट ग्रीन यू नो पिस्ता ग्रीन के कलर का है।
सो अब मैं यहाँ पे अपना बेस जा रही हूँ क्रिएट करने के लिए. तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ बॉबी ब्राउन. ये मेरा फेस का एग्जैक्ट मैच है गाइज, बट हमको मेरे को लगता है थोड़ा सा डिम होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है. और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का ये फाउंडेशन, ठीक है. ये लूज पाउडर है, तो मैं यहाँ पे अपने हैंड में इसे सेक करके दो पंप ले रही हूँ, ठीक है. और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन, सॉरी लूज पाउडर, ठीक है. इतना सा जनरस अमाउंट में मिक्स करूंगी इसे फुल कवरेज बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जो बॉबी ब्राउन फाउंडेशन जो है मेरा वो फुल कवरेज नहीं देता है, बेस्ट रहेगा मेरे लिए. तो अब देखो ये काफी अच्छा आ गया, ठीक है. इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए पहले एंड देन अप्लाई कीजिए, तो काफी ना फुल कवरेज फाउंडेशन बन जाता है. सो आपको वरी करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ जहां पे भी मुझे इसका अप्लाई करना है, पूरे फेस में, ठीक है. इतना में तो हो जाएगा. ये आप देख सकते हैं मेरे स्किन का एग्जैक्ट मैच है ये फाउंडेशन. और ये कॉस्टली आता है, तो ये आपको ना अगर लेना है तो आप टेस्ट वगैरह करके लो, वरना फिर यू नो आपका पैसा भी जाएगा एंड आपको गलत सेड भी मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी. तो इस तरीके का लेना है आपको डैम ब्लेंडर और इसे अच्छे से आपको फिर अप्लाई करना है. और ये इतना अच्छा फुल कवरेज देता है ना, जब आप इसमें कॉम्पैक्ट मिक्स करते हो, काफी ब्यूटीफुल शेड भी है एंड ये मेरे स्किन टोन का ना एग्जैक्ट मैच था. सो यहाँ पे मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ. मुझे ना कवर अप ज्यादा लगा नहीं, क्योंकि मेरा जो पिगमेंटेशन है काफी हद तक बहुत कम हो चुका है, तो इसलिए ज्यादा यू नो अंडर कंसीलर लगा नहीं मेरा. अब मैं थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड 25 एज यूजुअल. आप लोग को पता है कि ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है एंड ट्रस्टेबल ब्रांड है मेरे लिए, तो मैं यू नो एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करती हूँ. ये काफी ब्यूटिफुल सा शेड है 25, जो कि आई गेस हर स्किन टोन में यू नो फिट आता है ये, तो ये काफी अच्छा लगता है. बहुत ज्यादा डीप टोन रहेगा ना आपका, देन ये थोड़ा सा आपको फेस को वॉश ऑफ करेगा. हाईएस्ट पॉइंट में आप लोग अप्लाई करके अब इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी. जब मैं यूजुअली लेती हूँ बनाना पाउडर, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा जो अंडर आई है वो काफी क्रीज करता है, तो इस तरीके से अप्लाई करना है हमें लूज सेटिंग पाउडर और इसे छोड़ देना है. अब मैं यहाँ फेस को कंटूर कर रही हूँ गाइस, तो डार्क से शेड ले लेना है, ज्यादा डार्क नहीं, ठीक है. आपके स्किन से जस्ट दो शेड डार्क लेना है, ठीक है, और आप फेस को कंटूर कर लोगे उस तरीके से. सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिस्ट्रोस का ब्लश पैलेट और इसमें से सबसे लाइट शेड जो है पिंक कलर में, क्योंकि मेरा आईज काफी बोल्ड है, तो मैं जाऊंगी पिंक शेड पे. बहुत लाइट सा शेड आपको पिक करना है, मैं तो पिंक जा रही हूँ. अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो कोई भी डार्क शेड, तो बिल्कुल हल्का सा ले करके ना आपको अपने चीक्स में अप्लाई कर लेना है. यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टे कॉर्की का व्हाइट काजल और मैं इनर हाफ में फिल इन कर रही हूँ व्हाइट से, और मैं ब्लैक आउटवर्ड में फिल इन करूंगी. यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे स्टार्टिंग जो ट्रांजिशन कलर था मेरा बरगंडी, वो ले रही हूँ. जो डार्क कलर हमने प्लेस किया था वो हम प्लेस करेंगे आईज के लोअर लैश लाइन में, और इसे मैं स्मच करूंगी पिंक कलर से, जो कि हम लोगों ने ट्रांजिशन बनाया है अपने आईज का.
लोअर आईलैस में हम अगेन स्विस ब्यूटी का मस्करा लेकर के नीचे वाले लैसेस में भी कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन का हाइलाइटर जो कि है मोल्टन रोज गोल्ड, और इससे मैं फेस को हाईलाइट कर लूंगी। सो लिप्स के लिए मैं आज न्यूट्रल टोन में जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिप लाइनर, ये है मिस क्लेयर का शेड नंबर ब्राउन L11। सो ये काफी अच्छा डीप ब्राउन शेड है। तो पहले मैं आउटलाइन कर ले रही हूँ लिप्स को। आज जो लिप शेड मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ। न्यूड शेड है ये, इसका शेड नेम है आइकन, ठीक है, और ये काफी न्यूट्रल टोन का है। अब मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे डाल रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का, और इस मेकअप को मैं सेट कर लूंगी।